गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों का ईएडी परिवार के साथ हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। संजीवनी क्लास विद्यार्थी आप लोगों के लिए करंट अफेयर के जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम लोग विद्यार्थियों आपका अगस्त 2020 से अगस्त 2021 तक के क्वेश्चनों को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे उन सभी ग्रुपों में, जिन भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हो उन ग्रुपों में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे लाइव आते तो वीडियो को लाइक भी करना आप लोगों को, ठीक है ना। वीडियो को विद्यार्थियों लाइक करते हुए आगे बढ़ना आप लोगों को। तो साउंड वगैरह सब कुछ ओके है और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलेगा ठीक है ना। तो जल्दी से विद्यार्थियों शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आप लोगों का डेली मॉर्निंग में 6 बजे चलता है आपका क्लास, ठीक है ना। करंट अफेयर का क्लास आप लोगों का डेली मॉर्निंग में विद्यार्थी 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग पीआईबी के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन्हें इसमें कवर करते हुए चलता है आपका, और नेशनल जो भी विद्यार्थी न्यूज़पेपर है उनको देखते हुए, ठीक है ना। सबसे पहले तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इसमें आप लोगों को 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। सभी लोग देखिएगा, मैंने आपसे बताया ना कि अगस्त 2000 समझो 20 से लेकर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में कब मनाया जाता है, हमसे पूछा जाता है विद्यार्थियों कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, ऐसा पूछा जाता है आपसे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, 2 मई को, 1 मई, 4 मई या 3 मई को, ठीक है ना। आंसर दीजिएगा इसका। देखिए इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सर हम इसे 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को, यानी कि 2021 में हमने 1 मई को मनाया, ठीक है ना। ये आप जानते विद्यार्थियों ILO का नाम सुना आप लोगों ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थियों आपका जो कब बना था, तो 1919 में बना था, समझो 1919 में विद्यार्थियों इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय विद्यार्थियों कहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो मुख्यालय तो इसका कहां पर है, जेनेवा के अंदर ही इसका मुख्यालय विद्यार्थियों, ठीक है ना, ILO। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताए जिसे माइकल और विद्याशीला है पुरस्कार 2021 से संयुक्त रूप से विद्यार्थियों विजेता घोषित किया गया। इन्होंने विद्यार्थियों डेटा इंटरप्रिटेशन पर, और समझो एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ है भारतीय जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देखिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारा आंसर यहां पर क्या बनेगा, निखिल श्रीवास्तव, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, निखिल श्रीवास्तव, ठीक है ना, निखिल श्रीवास्तव। आगे चलिए विद्यार्थियों, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेन वर्ल्ड विद्यार्थियों ब्रेल डे के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी आपका 4 जनवरी को। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने दुबई में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। यहां पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्ड इन 75 kg कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 और वह कहां पर, ये आपका दुबई के अंदर, ये भी ध्यान देना, पहले भारत में होना था
लेकिन भारत से विद्यार्थियों कहां पहुंच गया, यूएई, ठीक है ना। तो यूएई में विद्यार्थियों किसने यहां पर, बिल्कुल विद्यार्थियों पूजा रानी बोरा। हमसे पूछा जाता है कि पूजा रानी बोरा कौन से खेल से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे संबंधित है विद्यार्थी आपका, बॉक्सिंग से संबंधित है। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ, तो ये यूएई के अंदर होता आपका, कहां पर, यूएई के अंदर, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, समझो। चले देखिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी आपका। अगला सवाल क्या देखने को मिलेगा हमें, अगला सवाल पूछा गया कि क्रिकेट, देखिएगा क्रिकेट ने या किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जीता, जो विद्यार्थियों 2020-21 का सैयद अली विद्यार्थियों, ठीक है ना, कौन सा है अपना, सैयद अली जो ट्रॉफी जीती, ठीक है ना, ट्विटर सैयद अली विद्यार्थियों ट्रॉफी 2020, तो ये किसने जीता आपका, चले विद्यार्थी, तो किसने जीता आपका, तो बिल्कुल ये जीता विद्यार्थी हमारा किसने, तमिलनाडु ने, बिल्कुल सही आंसर जिन विद्यार्थियों ने तमिलनाडु आंसर दिया। अच्छा बीच में साउंड वगैरह ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, देखिएगा, चले ठीक है, तमिलनाडु ने जीता विद्यार्थियों। और ये जो T20 खिताब जीता तमिलनाडु ने, तो किसको हराकर, बिल्कुल इसने विद्यार्थियों किसे, तो रनर अप जो रहा वो रहा था विद्यार्थियों कौन सा, बड़ौदा, बिल्कुल बड़ौदा इसमें क्या रहा, रनर अप रहा, ठीक है ना, और जो विनर था वो कौन था, तमिलनाडु, समझो। सैयद विद्यार्थियों मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2021 में जीता किसने, तमिलनाडु ने, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, और किसे हराकर, बड़ौदा को विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत ने अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए शुरू किया है, तो ये भारत ने जो शुरू किया था विद्यार्थियों अंटार्कटिका क्षेत्र के लिए, ठीक है, इसमें भारत ने विद्यार्थियों 40वां जो आपका, ठीक है, और आपको याद भी होगा कि भारत ने अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए अपनी पॉलिसी भी जारी करी, अंटार्कटिका क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों भारत ने पॉलिसी भी जारी करी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो गगनयान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला है। देखिए आपका इसरो की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, अब इसकी डेट चेंज हो गई, इसरो शेड्यूल द विद्यार्थी लॉन्च गगनयान फर्स्ट अन्य जो था आपका स्पेस मिशन, तो पहले इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च होना था। इनमें से विद्यार्थी आपका ये क्वेश्चन का सभी को मार्क्स दिया जाएगा, या आप लोग अब मुझे बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं विद्यार्थियों, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि अब शेड्यूल किया गया, इसे बढ़ा दिया गया, इसकी समय सीमा विद्यार्थियों आपके बढ़ा दी गई, पहले क्या था दिसंबर 2021 की बात की गई थी, लेकिन अब इसे इसरो के द्वारा, इसरो यानी हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना, समझो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 1969 में बनता है, और इसके हेड कौन है, तो के शिवाम विद्यार्थी इसके हेड है। तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि अब भारत इसे कब तक के लिए, तो इसका आंसर जरूर आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर देखिएगा, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की विद्यार्थियों करेंसी क्या, ऐसा पूछ रहा आपसे, तो अर्जेंटीना की करेंसी क्या आएगी, पीसो, अर्जेंटीना की करेंसी क्या आएगी विद्यार्थी आपका, पीसो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा, इन विच स्टेट यूटी डिब्रो सिकोहा नेशनल पार्क, इस राज्य में अब कितने टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, तो किस राज्य की बात कर रहा हूं मैं, डिब्रो सिकोहा, यहां के वर्तमान समय पर सीएम कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा गर्ग, ठीक है ना, और जगदीश मुखी तो गवर्नर हो, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थी, हम लोग डिब्रो सिकोहा ओरंग नेशनल पार्क, यहां पर विद्यार्थियों आपको मानस दिखेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क दिखेगा, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, असम राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा,
आंसर देते रहेगा, ठीक है। एग्जाम है आप लोगों के सामने, तो बाकी चीजों पर अभी बातें नहीं करनी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों को देखना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपका, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है ना। अब देखिएगा भारत में, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो वो तो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को विद्यार्थियों राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जिस कारण से 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब आपका 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बॉक्सिंग विद्यार्थियों फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया। यहां पूछ रहा है विद्यार्थी हमसे कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बॉक्सिंग फाइट देखिए, चार ऑप्शन दिए गए, अनिका विद्यार्थियों, सोरेन स्टेमगर की भी बात की गई, मीरा टंडन, अजय सिंह या संजय कपूर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए विद्यार्थी हमारा, बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, अजय सिंह, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ विद्यार्थी इंडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए, बिल्कुल अजय सिंह को चुना गया, ठीक है ना, ये याद रखना होगा। अगर हम लोग बात करें विद्यार्थियों जो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, ठीक है ना, इंडियन बॉक्सिंग विद्यार्थियों फेडरेशन, तो ये किस वर्ष आपका बना था, समझो ये लगभग लगभग विद्यार्थी आपका इंडियन बॉक्सिंग जो फेडरेशन के नाम से बना था, ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये लगभग 1925 में स्टैब्लिश हो चुका था। क्योंकि देखो आप जानते हो विद्यार्थियों आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी 1924 में बनी, तो विद्यार्थियों जो आपका बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो 1925 के आसपास स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है ना, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कब बन चुका था आपका 1925 के आसपास विद्यार्थियों, ठीक है। चले विद्यार्थियों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल विद्यार्थियों साइंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो कब मनाते हैं विद्यार्थी हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में, ठीक है, नेशनल विद्यार्थियों साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को। आपसे सवाल मेरा कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, 2021 में विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई थी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 2021 में क्या रखी गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यहां पूछा गया विद्यार्थियों आपका, देखिए हीरो इंडियन वुमेन्स विद्यार्थी लीग 2020-21 का एडिशन जो होगा, तो इसे कौन सा राज्य होस्ट करेगा, हीरो इंडिया विद्यार्थी आपका, यहां सवाल क्या पूछा गया, हीरो इंडिया विद्यार्थी जो सुपर लीग आपका 2000, समझो इंडियन, समझो आपका यहां पर पूछा जा रहा आपसे, तो इस सेशन को कौन होस्ट करने वाला है, ठीक है ना, इसे विद्यार्थी कौन कौन सा राज्य होस्ट करने वाला है, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 2020-21 के लिए, तो इसे विद्यार्थी ओडिशा, ओडिशा विद्यार्थी, ठीक है ना, कौन है यहां पर ओडिशा, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, दासीगामा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में, दासीगामा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह हमें कहां पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दासीगामा कहां पर आपका, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब देखिए विद्यार्थियों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, दासीगामा कहां पर विद्यार्थी आपका, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की वर्तमान स्थिति को समझिएगा, आपको मैप के अकॉर्डिंग कई बार वैसे समझाया भी है, आपको याद भी होना चाहिए यहां से क्या क्या सवाल हमारे बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये बताएगा मुझे, जम्मू एंड कश्मीर कितने देशों के साथ वर्तमान समय पर
इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। बता सकते हो आप लोग कितने देशों के साथ विद्यार्थी हो? तो देखिएगा यहां से देखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा विद्यार्थियों पाकिस्तान से लगा रखे, ठीक है ना। ये क्या हमारा, तो ये जम्मू, ठीक है ना, ये क्या विद्यार्थी हमारा जम्मू एंड कश्मीर, क्या क्या विद्यार्थी आपका जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र आपका, ठीक है। कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना हमारा, तो ये बना था केंद्र शासित प्रदेश कब हमारा, तो 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। इसे कितने डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, तो लगभग विद्यार्थी आपका 20 डिस्ट्रिक्ट में इसे बांटा गया, ठीक है ना। यहां के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखिएगा मनोज सिन्हा। मैं जानता हूं आपको याद है लेकिन एग्जाम टाइम पर रिवीजन करना जरूरी है। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान प्रेजेंट टाइम पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के। उसके बाद विद्यार्थी अगर फर्स्ट की बात करें तो पहले कौन थे, जीसी मुर्मू क्या थे आपके, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर यहां पर आपको नेशनल पार्क याद रखने, तो कौन से आपका, दाचीगामा नेशनल पार्क आप लोगों को विद्यार्थियों किश्तवार, ठीक है ना विद्यार्थियों, किश्तवार हो गया। और सलीम अली विद्यार्थियों नेशनल पार्क कहां पर हमारे, तो इसी राज्य के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद विद्यार्थी आप लोगों को शिमला समझौता याद है ना, शिमला समझौता क्या था कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो पर उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री समझो यानी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 1972 में देखेगा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे विद्यार्थियों। 1972 का जो शिमला समझौता था इसी के तहत विद्यार्थी आपका क्या बनता है, LOC लाइन ऑफ जो कंट्रोल बनता है आपका 1972 के शिमला समझौता, यानी ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना आपको। यहां पर क्या कहा गया कि देखो एग्रीमेंट में जो कहा गया था कि तत्कालीन जिस स्थिति में जिस भी देश की सेना है उसी को क्या माना जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाए, उसी को क्या माना जाए विद्यार्थियों, लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाए। ये 1972 के शिमला समझौते में निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। इधर से विद्यार्थी किससे लगा आपका, पंजाब से लगाए, इधर से विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश से लगाए और इधर साइड से विद्यार्थियों लद्दाख से लगा हुआ है। तो इतना तो याद रखना होगा आपको, समय समय पर रिवीजन कराता हूं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है ना। तो इतना याद रखेगा, एक सवाल बताएगा मुझे, जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले संविधान था वो 26 जनवरी कब विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1957 में लागू होते, यहां का अलग संविधान जो आपका 31 अक्टूबर को क्या कर दिया, यहां पर भारतीय संविधान को लागू कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संविधान लागू हो गया। तो आप मुझे बताओगे कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में भारतीय संविधान के अनुसार चुने जाने वाले पहले न्यायाधीश का नाम, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चुने जाने वाले पहले न्यायाधीश, बिल्कुल सही आंसर विद्यार्थी आपका रजनीश ओसवाल, याद रखिए विद्यार्थियों रजनीश ओसवाल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हुए, चुने गए कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। चले आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा भारत के लोकप्रिय विद्यार्थियों नृत्यों में से एक नट पूजा किस राज्य से संबंधित है, तो नट पूजा विद्यार्थी हमारा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये असम राज्य से जुड़ा हुआ, ठीक है। कुवैत विद्यार्थियों शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित पहली एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने विद्यार्थियों, यहां पर क्या पूछा गया, पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा कुवैत के अंदर जो आपका होता है, ठीक है। तो इसमें पदक तालिका में अपने इंडिया का नाम सबसे ऊपर रहा, किसमें विद्यार्थियों आपका, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट एशियन ओलंपिक, सॉरी आपका एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। चले तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि अगले कुछ साल में भारत विद्यार्थियों कौन कौन से या जो इवेंट होस्ट कर चुका है या कर रहे विद्यार्थियों, तो जैसे आप जानते हो कि भारत कौन सा ब्रिक्स इवेंट विद्यार्थियों होस्ट करेगा या कर रहा है विद्यार्थियों, तो कब कर रहे हैं,
ठीक है ना। उसके बाद आपको बताना होगा इंटरपोल, समझ विद्यार्थियों, इंटरपोल आप जानते हो, इंटरपोल महासभा को विद्यार्थियों इंडिया, इंटरपोल इंटरनेशनल विद्यार्थियों पुलिस, ठीक है ना, इंटरपोल महासभा जो कौन से नंबर की आपकी 91वीं महासभा भारत कब होस्ट करेगा और G20 को इंडिया कब होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स तो भारत ने कब होस्ट किया 2021 में, इंटरपोल को कब करेगा 2022 में, ठीक है ना, और G20 को कब करेगा 2023 में। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप है विद्यार्थियों, इन दोनों को कौन होस्ट कर रहे है, तो ये भी अपना इंडिया ही होस्ट कर रहा है, कब 2023 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुषों के लिए विद्यार्थियों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में दोनों भारत ही होस्ट कर रहे है। G20 भारत कब करेगा 2023 में होस्ट करेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा द लास्ट सोल, देखिए यहां पर क्या दिया गया विद्यार्थियों, द लास्ट लॉस्ट सॉरी द लॉस्ट विद्यार्थियों सोल की बात की गई। ये बुक आपका रिलीज हुई थी, कब हुई थी विद्यार्थी आपका, ये फरवरी 2021 में होती है। तो हमसे एग्जामिनर पूछता है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बुक का नाम क्या आपका द लास्ट सोल विद्यार्थियों, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर क्या बनेगा विद्यार्थियों, द लॉस्ट सोल विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल विद्यार्थी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ओल्गा टॉकरी कुक के द्वारा लिखी गई, ओल्गा विद्यार्थियों किसके द्वारा, टॉकरी कुक के द्वारा विद्यार्थी बुक लिखी गई, जो रिसेंटली विद्यार्थी आपका कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आपका ये लॉन्च हुई थी विद्यार्थियों कुछ ही समय पहले, ठीक। चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर, अगला सवाल विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया, ठीक है ना, चलेगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे युवा आदिवासी महिला कौन है, तो यह विद्यार्थी आपका कौन सा, मालवता विद्यार्थियों पूर्णा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार विद्यार्थी आपका, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो हमसे पूछ रहे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में, कि देखिएगा 2021 में जो बेस्ट विद्यार्थियों मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी के लिए जो अवार्ड जीता, देखिएगा बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, ठीक है ना। यहां पर क्या पूछा गया विद्यार्थी आपका, तो यहां पर ध्यान दीजिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में विद्यार्थियों किसने, नोमैड विद्यार्थी लैंड ने इसे जीता, नोमैड लैंड का मतलब होता है घूमतू जनजाति। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो विश्व भर में विद्यार्थी आपका, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है, ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा दिया जाता है विद्यार्थी अवार्ड, हॉलीवुड विद्यार्थियों फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, हॉलीवुड के विद्यार्थी आपका फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। लगभग विद्यार्थियों आपका कब से, तो 1944 में, 1944 में, 1944 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, समझो, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे विद्यार्थी आपके, तो यह पुरस्कार कब आपका सबसे पहले 1944 में दिया गया था, ठीक है। हम लोग बात करें विद्यार्थी, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 2021 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे ज्यादा अगर किसी ने जीता, तो विद्यार्थियों आपका किसने जीता आपका, द क्राउन करके, द क्राउन विद्यार्थियों क्या है, अमेरिकन टीवी सीरीज है, तो इसको सबसे ज्यादा अवार्डों से सम्मानित किया गया, द क्राउन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। मैंने आपको कहा ना कि हॉलीवुड विद्यार्थियों फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा 1944 से दिया जाता है, 2021 में सबसे ज्यादा क्राउन, क्राउन क्या है, अमेरिकन टीवी सीरीज है, तो इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चलेगा आगे बढ़ेंगे, बाकी चीजें बतानी क्या इसमें, आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। घर घर रोजगार तय विद्यार्थियों कारोबार किसका है, तो ये पंजाब राज्य सरकार का, पंजाब का, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज, देखिए तेज गेंदबाज की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, देखिए यहां पर तेज गेंदबाज पूछ रहे हैं,
वो बिकम द थर्ड इंडियन पेशर टू टेक 300 टेस्ट विकेट, ठीक है ना, 300। तो ध्यान दीजिए किसका नाम आता है, ईशांत शर्मा। इससे पहले विद्यार्थियों कपिल देव भी काम कर चुके हैं, जहीर खान विद्यार्थियों, और तीसरे नंबर पर कौन है, ईशांत शर्मा। देखो बाकी जो स्पिन बॉलर है अपने जंबो यानी कि अनिल कुंबले, वो तो विद्यार्थी आपके काफी ज्यादा विकेट है, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, पेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो पेशर विद्यार्थियों तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा। विनीश फोगट विद्यार्थियों हाल ही में यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में उन्होंने कौन सा पदक जीता था, विनीश विद्यार्थियों फोगट ने कौन सा पदक जीता था इन्होंने, तो इन्होंने विद्यार्थियों गोल्ड मेडल, इन्होंने यूक्रेन जो रेसलिंग विद्यार्थियों इवेंट हुआ था उसमें कौन सा, तो गोल्ड मेडल जीता था। यूक्रेन की अगर कैपिटल पूछी जाए विद्यार्थियों, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव घर क्या था, यूक्रेन की क्या विद्यार्थियों, कीव यहां की कैपिटल है। आगे चलेगा, ड्रैगन फूड को विद्यार्थियों कमलम नाम दिया है, तो किसने दिया है, तो यह दिया गया गुजरात के द्वारा, किसके द्वारा, गुजरात। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 50वें रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय फिल्म को प्रतिष्ठित विद्यार्थियों टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहां पर क्या पूछा गया विद्यार्थियों, विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द विद्यार्थी आपका टाइगर अवार्ड एट द 50 रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। तो किसे मिला विद्यार्थी आपका, आंसर दे दीजिए, देते रहेगा, ठीक है ना, तो किसे मिला विद्यार्थी आपका, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ये मिला विद्यार्थी हमारा किसे, कॉन्जिगल मूवी को, ठीक है ना, किसे मिला आपका, तो कॉन्जिगल को मिला, ठीक है, किसे मिला विद्यार्थी आपका, याद रखेगा आपका कौन सा है, कॉन्जिगल, ठीक है। अब ये कॉन्जिगल जो आपका बनी है, आपसे पूछा जाता है कौन सी भाषा में, तो ये हमारी तमिल भाषा में थी, ये कौन सी भाषा में थी विद्यार्थी हमारी, तमिल भाषा में, ठीक है, और ये लगभग लगभग आपका 2021 में रिलीज होती है, कब होती है आपका 2021 में, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी आपका, नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका अगले सवाल पर, ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, 78 में विद्यार्थियों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में, जिसे मैंने कहा था ना कि ये हॉलीवुड विद्यार्थी आपका फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, कब से, 1944 से, 1944 से ये पुरस्कार दिए जाते। तो हमसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों कि मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, चैडविक बोशमैन को दिया गया, किसे दिया गया विद्यार्थी आपका, चैडविक बोशमैन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2021 में, ये पुरस्कार किसे दिया गया, चैडविक बोशमैन, ठीक है ना, चैडविक विद्यार्थी बोशमैन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, बालिका दिवस आप जानते विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, किसकी बात करें विद्यार्थियों, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है, और इस दिन विद्यार्थियों उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाई गई थी, एक दिन की सीएम किसे बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था विद्यार्थियों आपका, गोस्वामी, समझो किसे बनाया गया था विद्यार्थी, ठीक है ना, तो 24 जनवरी 2021 में सृष्टि गोस्वामी, बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल, नरोरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहां पर स्थित है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नरोरा विद्यार्थी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट आपको देखने को मिलेगा, तो ये कहां पर, अपना उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, आपको मैंने बताया विद्यार्थियों अभी कुछ एग्जाम में पूछा गया सिंगरैनी विद्यार्थी आपका क्या है, थर्मल पावर प्लांट, ये कौन से राज्य में है सिंगरैनी, जैसे सिमाद्री आपका आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम में, तो सिंगरैनी सुपर थर्मल पावर प्लांट कह सकते हैं हम लोग, तो ये हमें देखेगा कहां पर, तेलंगाना स्टेट के अंदर, कहां पर आपका, तेलंगाना स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सिंगरैनी। चले आगे बढ़ेंगे, यहां पूछा गया विद्यार्थियों हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मैन सिंगल टाइटल एट द 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इन विद्यार्थियों कहां पर, ये आपका, तो जगह थी विद्यार्थियों कंपाला,
कंपाला में ही विद्यार्थी मैच होता है, ठीक है। तो किसने जीता? तो ये जीता था बिल्कुल वरुण कपूर। तो इतना याद रखेगा कि वरुण कपूर किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है ना। अब ये युगांडा का नाम कहां पर सुना था, तो मैं आपको बता दूं, युगांडा विद्यार्थियों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ एक कंट्री है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी आपको लेक जो दिखती है विक्टोरिया लेक, कौन सी विद्यार्थियों आपका? विक्टोरिया लेक जो आपको दिखती है ना, तो ये विक्टोरिया लेक से ही आपकी क्या निकलती है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर यानी कि नील नदी। तो विक्टोरिया लेक किस किस राज्य से, किन कंट्रियों से लगी है वहां पर, तो ये आता है विद्यार्थी आपका सबसे पहले तो केनिया, केनिया आएगा विद्यार्थी आपका। इधर से कौन सा आएगा? युगांडा। और इधर से कौन सा आएगा विद्यार्थी आपका? तंजानिया। ये जो विक्टोरिया लेक है ना, तीन देशों के साथ आपका सीमा साझा करती है, कहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तंजानिया, केनिया और युगांडा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, नेल्सन मंडेला विद्यार्थियों मानवतावादी पुरस्कार दो लोगों को मिला है, दो लोगों को विद्यार्थियों, 2020 का और 2021 का, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों यहां पर किसका नाम आएगा? रवि गायकवाड़ को 2020 के लिए सम्मानित किया गया, और 2021 के लिए तो लिम्बाले करके आपके, समझो विद्यार्थी लिम्बाले, दो लोगों को इस अवार्ड देखो। कल भी आपने, कल की क्लास में देखिएगा, क्लास में जो संजीवनी में क्वेश्चन नंबर 18वां था ना, जहां पर आपको कंफ्यूजन थी विद्यार्थियों, मैंने बताया कि आप दो लोगों को इससे सम्मानित किया गया फरवरी मंथ में विद्यार्थियों 2020 के लिए, किसे? तो रवि गायकवाड़ को, जबकि विद्यार्थियों शरद कुमार लिम्बाले करके आपका उन्हें 2021 के लिए सम्मानित किया गया। आगे पूछा गया विद्यार्थियों टाइटल 1857 द स्क्वायर ऑफ विद्यार्थियों मस्ताना, ये जो बुक रिलीज हुई थी आपकी अभी, तो किसने करी? विनीत वाजपेयी के द्वारा विद्यार्थियों, ये बुक रिलीज होती है, ठीक है ना, विनीत वाजपेयी। अगला सवाल पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से किसने, समझ विद्यार्थी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, वर्ल्ड विद्यार्थी क्या दिया गया? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर द्वारा दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार 2020 में चैंपियन प्रकाश विद्यार्थी जीता है। तो ये किसने जीता आपका? तो ये जीता द हिंदू ग्रुप ने, द हिंदू ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड गिवेन बाय वैन विद्यार्थी आपका? IFR, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, ठीक है ना, इससे अवार्ड दिया गया आपका। तो ये किसे दिया गया विद्यार्थी हमारा? तो द हिंदू को, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबे रोड ब्रिज विद्यार्थी और क्विज, वाहे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एक तो मेघालय में, दूसरा चेनाब नदी पर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जनवरी 2021 के उद्घाटन में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिएगा ये पहले नहीं हुआ करता था, जनवरी 2021 से ही शुरू हुआ आपका मेंस विद्यार्थी और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल यानी कि, ठीक है, दोनों ही प्लेयर ICC वुमेन्स प्लेयर या ICC मेंस प्लेयर, ठीक है ना। तो ICC मेंस में विद्यार्थियों कौन चुना गया था? ऋषभ पंत। तो देखिए विद्यार्थी यहां पर ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से किसे चुना गया था? शबनम इस्माइल को जनवरी 2021 में। शबनम इस्माइल एक क्रिकेटर है जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते, साउथ अफ्रीका को विद्यार्थियों रिप्रेजेंट करते, ठीक है। आगे चलेंगे, नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एलन मस्क के विद्यार्थियों क्या आपका? स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को रॉकेट विद्यार्थियों कितने उपग्रह जो लॉन्च किए थे आपके, तो एक साथ विद्यार्थियों कितने? 143 विद्यार्थियों आपका, यानी कि 143, ठीक है ना। देखिएगा इसमें रिकॉर्ड था, और एलन मस्क, देखिए आप जानते विद्यार्थियों स्पेस जो एक्स है आपका वो क्या विद्यार्थियों? स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है, कहां की? अमेरिकन, ठीक है। एलन मस्क की आप लोग टेस्ला का नाम सुना है ना, टेस्ला के फाउंडर जो सीईओ विद्यार्थियों, तो वही इसके क्या है? फाउंडर भी है स्पेस एक्स के, एलन मस्क। तो जो उन्होंने यहां पर रॉकेट लॉन्चर यूज किया था विद्यार्थियों, कौन सा था? तो फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्चर था, जिसके तहत क्या किया गया? एक साथ विश्व रिकॉर्ड 143
सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था कहां पर? ढाका के अंदर। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी, जिसे बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है विद्यार्थियों, आप जानते हो? तो ध्यान दीजिएगा, कहां से? मिजोरम से। मिजोरम जस्ट ऊपर आएंगे हम लोग तो कहां पर? त्रिपुरा। ऊपर की तरफ आएंगे विद्यार्थी, आपका असम दो साइड से करता है, फिर आपका मेघालय आएगा, और जस्ट विद्यार्थी ऊपर की तरफ देखेंगे, ये तो पूरा पोर्शन किससे लगा है? वेस्ट बंगाल से लगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम पांच राज्यों के साथ लगा हुआ है, और भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री भी किसके साथ है? तो ये इसी देश के साथ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत की सबसे लंबी विद्यार्थियों इंटरनेशनल जो बाउंड्री आपका, वो बांग्लादेश के साथ। थ्री बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, थ्री बीघा कॉरिडोर के नाम से। यहां पूछा गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स द रैंक फर्स्ट विद्यार्थियों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, तो कौन से विद्यार्थी यहां पर? तो ये है बिल्कुल विद्यार्थी, यहां पर क्या आएगा विद्यार्थी आपका? ऑप्शन भी आपको बिल्कुल राइट आंसर देखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था विद्यार्थी आपका केरला मार्लिन, जो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? केरला मार्लिन विद्यार्थी कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी आपका 41 दिया गया। प्लेटफॉर्म स्किल फॉर ए पोस्ट विद्यार्थियों पैडमिक वर्ड, वाज द ऑथर बुक टाइटल प्लेटफॉर्म स्किल फॉर ए विद्यार्थियों पोस्ट पैडमिक वर्ड, ठीक है ना ये विद्यार्थियों। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा आपका? बिल्कुल देखेगा, ऑप्शन है आपका, याद रखेगा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिखे संगीत पॉल चौधरी के द्वारा, कई बार बता चुका हूं, समझो प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए विद्यार्थियों पोस्ट पैडमिक वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा भारतीय पहलवान विश्व विद्यार्थियों नंबर वन रैंक पर आया है? तो देखिए इस कैटेगरी में सबसे नंबर वन पर विद्यार्थियों बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया विद्यार्थियों 61 केजी विद्यार्थियों कैटेगरी में नंबर वन पर मिला। आगे देखिएगा, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में दो दौरान महावीर चक्र दिया गया, तो ये किसे दिया गया था? संतोष बाबू को दिया गया था, ठीक है ना। किसने विद्यार्थियों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 जीता, हु हैज वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो पीपल्स विद्यार्थियों चॉइस अवार्ड, तो ये दिया गया था किसे? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट इरविन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया विद्यार्थियों? तो रॉबर्ट इरविन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ऐश्वर्या श्रीधर को लास्ट टाइम पर मिला था, ठीक है ना, रॉबर्ट इरविन विद्यार्थियों अमेरिकन जो फोटो जर्नलिस्ट है विद्यार्थियों, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी, आपका अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट एक्टर विद्यार्थी अवार्ड 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021, तो ये दिया गया आपका इरफान खान जी को विद्यार्थियों, ठीक है ना। इरफान खान जी को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो विद्यार्थियों जो सबमिट होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? दावोस के अंदर, दावोस यानी स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहां पर आपका? कोलन विद्यार्थियों स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सबमिट होता है विद्यार्थियों कहां पर? दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। यहां पूछा गया, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड हैज वॉन द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन विद्यार्थियों फॉर द 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए जो दिया गया आपका, तो यह दिया गया कृति के करंत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। समझो किसे दिया गया विद्यार्थियों? तो कृति के करंत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट चलेंगे। हाल ही में विद्यार्थियों अम्बोली किस राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? रिसेंटली विद्यार्थियों अम्बोली इन विच स्टेट वॉज द डिक्लेयर्ड एज द बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो ये कहां पर हमारा महाराष्ट्र के अंदर। आप जानते हो भारत का पहला बायोडायवर्सिटी क्षेत्र कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाता विद्यार्थियों तो भारत का पहला बायो विद्यार्थियों डायवर्सिटी, ठीक है ना, भारत का क्या विद्यार्थियों पहला बायो डायवर्सिटी जो साइट है विद्यार्थियों कौन सा है आप बता सकते हो? बिल्कुल देखिएगा, पहला जैव विविधता जो आपका एरिया क्षेत्र घोषित किया गया नीलगिरी, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। कौन सा आपका? तो नीलगिरी रेंज, नीलगिरी रेंज कहां पर हमारा? तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। भारत की पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था किसे? तो नीलगिरी रेंज। मैरीकॉम ने 2021 में एएसबीसी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्हें विद्यार्थियों कौन सा मिला था यहां पर? सिल्वर मेडल विद्यार्थी, ठीक है ना। जो कहां पर आयोजित हुआ था आपका? तो दुबई के अंदर, आप जानते हो यूएई में, यूएई के अंदर आपका इसका आयोजन होता है, ठीक है। सवाल नंबर 50 पूछा गया, सवाल नंबर विद्यार्थियों जो 50वां आपके सामने दिया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विद्यार्थियों? सीएमडी बीईएमएल, ठीक है ना विद्यार्थी। यहां पर क्या पूछ रहा आपसे? बीईएमएल के जो वर्तमान समय पर, ठीक है ना, क्या चुने गए? निदेशक के रूप में चुने गए, तो वो किसे चुना गया, ठीक है ना। तो याद रखिए विद्यार्थियों ये किसे चुना गया, बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी आप लोगों ने, ठीक है ना, समझो। तो ये चुना गया आपका किसे विद्यार्थियों? अमित बनर्जी को। किसे चुना गया? अमित बनर्जी को चुना गया। ये सवाल अगर पूछा जाए विद्यार्थी आपसे, तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो आप क्या बताओगे विद्यार्थी? इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत विद्यार्थियों मूवर्स लिमिटेड, ठीक है ना। इसके अगर फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? भारत अर्थ विद्यार्थी क्या आएगा? मूवर्स, ठीक है ना। जस्ट वन विद्यार्थी, मूवर्स जो आपका क्या आएगा? लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि ये किस वर्ष आपका एस्टैब्लिश हुआ था, तो एस्टैब्लिश हुआ था विद्यार्थी आपका कब? 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। 1900 विद्यार्थियों आपका, ठीक है, इसकी स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा। चलेगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है ना। जस्ट वन विद्यार्थी देखिएगा, जस्ट वन मिनट, लेविस हैमिल्टन, देखिए आपका याद रखना, जो पुर्तगाली विद्यार्थी ग्रैंड प्रिक्स जीता लेविस हैमिल्टन, इन्हें यूके यूनाइटेड किंगडम विद्यार्थियों यानी कि यूके को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूके गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें नाइटवुड की उपाधि भी दी गई। नाइटवुड विद्यार्थी सम्मान है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, इन्हें 2021 में नाइटवुड का सम्मान भी दिया गया था। आप जानते हैं विद्यार्थी, मैंने साथ में बताया होगा कि जो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नाइटवुड की उपाधि को त्याग दिया गया था। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी, समझो। चलेगा आगे चलेंगे, इनमें से किसने असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला विद्यार्थियों आपका किसे? प्रदीप चंद्रा नायर के द्वारा, प्रदीप चंद्र विद्यार्थियों नायर के द्वारा संभाला गया, ठीक है। और वर्तमान से अगर बात करें विद्यार्थियों, इसकी स्थापना कब होती है? 1835 में, जो भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। और याद रखिएगा सबसे पुरानी विद्यार्थियों पैरामिलिट्री फोर्स भी है कौन सी? असम राइफल, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है आपका? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के।
अगला सवाल देखिए, किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार विद्यार्थी आपका एस ए डी साउथ एशियन विद्यार्थी आपका जो अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, तो यह किया गया किसे विद्यार्थियों, वियोल डेविस को, वियोल डेविस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम विश्व के शीर्ष क्रम में एक दिवसीय पर है काफी समय से आपका, तो ये टेस्ट क्रिकेट में भी है विद्यार्थियों, समझो कौन सी है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नंबर वन पर अभी प्रेजेंट टाइम पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है विद्यार्थियों, आपसे अगर पूछता है इसकी स्थापना कब होती है, तो 12 अक्टूबर 1993 में होती है। इसके जो अध्यक्ष की रिटायरमेंट आयु कितनी होगी, 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो आयु 70 वर्ष पहले हो या विद्यार्थियों 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की रिटायरमेंट आयु है। वर्तमान समय पर कौन है विद्यार्थियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यहां पर विद्यार्थी विद्यार्थियों आपका यूके में जो आपका अवार्ड जीता, ठीक है ना, क्या समझो आपका सैफर्ड यूके में क्रुशिबल थिएटर विद्यार्थी आयोजित जो स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती, वो जीती थी किसने आपका, मार्क सेल्बी के द्वारा। मार्क सेल्बी को पूछा भी जाता है कौन से खेल से संबंधित है। नासा ने 2028 और 2030 के बीच किस ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना या घोषणा की है, तो ये विद्यार्थियों का कौन सा आपका वीनस पर, ठीक है ना। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि मैसेंजर सैटेलाइट किसके लिए लॉन्च किया था, तो ये वीनस के लिए विद्यार्थियों, जबकि आपका जूनो मिशन किसके लिए, जूनो मिशन किसके लिए विद्यार्थी आपका, जुपिटर के लिए, जूनो मिशन विद्यार्थी आपका किसके लिए, जुपिटर के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, यहां पूछा गया एसोसिएशन फॉर द कंप्यूटरिंग विद्यार्थियों मशीनरी एम ट्यूरिंग विद्यार्थियों वो पुरस्कार जीता गया, तो ये जीता गया आपका किसके द्वारा विद्यार्थियों, अल्फ्रेड वीओ के द्वारा। वे अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 2020 एसोसिएशन फॉर द कंप्यूटिंग मशीनरी विद्यार्थियों एम ट्यूरिंग अवार्ड जो दिया गया, तो ये किसे दिया गया आपका, बिल्कुल। चले आगे बढ़ेंगे, नेवरा वैली नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क हमें जो देखने को मिलेगा कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। नेवरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आपको जैसे विद्यार्थी आपका कौन सा बताया था, जालदा पारा, कौन सा बताया था विद्यार्थियों, जालदा पारा नेशनल पार्क यही पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को कौन सा दिख जाएगा, बोक्सा, बोक्सा विद्यार्थियों टाइगर रिजर्व और सुंदरवन, सुंदरवन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डेली मॉर्निंग में 6 AM पर आपका करंट अफेयर का क्लास चलता है, जिसमें हम लोग विद्यार्थियों आने वाले अपकमिंग एग्जामों को भी टारगेट करते हुए चलेंगे, जिसमें यूपीसीएल विद्यार्थियों ही जो एग्जाम हमारा 29 अगस्त को है, ठीक है ना, 29 अगस्त को हमारा एग्जाम है विद्यार्थियों। उसके बाद यूपीसीएल, यूपी विद्यार्थियों पीसीएल जेई, यूपी पीसीएल विद्यार्थियों जेई, जिसमें विद्यार्थियों हमारा डीएफसीसीआई एग्जाम है, और अन्य जितने भी आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम जैसे आपका यूपी एसएससी पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर आपका डेली 3 फेज में होता है, ये 3 फेज का मतलब समझो, पहले चरण में आपको 10 से 15 सवाल जो कि नए, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं पीआईबी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद आपका कम से कम 20 सवाल आपको संजीवनी के तौर पर मिलेंगे, संजीवनी मतलब समझ लो रिविजन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो नया सवाल होगा वो अगले 4-6 महीने में पूछा जाएगा, हमारा एग्जाम इसी महीने में होता है, तो हमें उसके लिए संजीवनी जो आपका, ठीक है ना। उसके बाद विद्यार्थी आपका वन लाइनर, वन लाइनर मैंने आपको बताया ना कि वन लाइनर आपका टॉपिक वाइज रहेगा। पहले हम लोग विद्यार्थियों क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक 2021 और 2020 की, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट विद्यार्थी आपके अपॉइंटमेंट या आपके नियुक्तियां, अब नियुक्तियां सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये आपका एग्जाम के 8-10 दिन पहले ही हमें पढ़ के जाना होता है,
क्योंकि बदल सकते, चेंज हो सकते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिन भी ग्रुपों में आप लोग जुड़े हो, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आने वाले विद्यार्थियों जो 3-4 महीने है ना आपके जीवन में, विद्यार्थियों सबसे बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो सभी लोग क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 3 बजे जनरल अवेयरनेस में, जहां पर विद्यार्थी हम लोग जनरल